बहुत ही हर्ष का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर साल क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो मैथ्स के भी हैं, साइंस से रिलेटेड भी हैं और जनरल कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसके अंदर अगर हम अभी जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि इन विषयों को अगर मैथ और साइंस को हम प्रमोट करते हैं तो आज के समय मांग और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मुख्य विषय साइंस और मैथ्स का ही है। और इसके साथ ही साथ बच्चे जब क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं तो उनमें एक अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना तो आती आती है। उसके साथ ही साथ जो मॉर्निंग असेंबली में हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, मॉर्निंग असेंबली के अंदर बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैथ की ऐसी क्वेरीज हो सकती हैं कि जो मौखिक रूप से बच्चे बता सकें, इसी तरह साइंस की हो सकती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रमोट आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप सक्षम हैं और सक्षम प्रोजेक्ट के तहत भी जो विषय लिए गए हैं वो हिंदी लिया गया है और मैथ लिया गया है। आप मैथ के ऊपर जितना प्रैक्टिस बच्चों को करा सके, मैथ विषय सर का रहा है, डीओ साहब का रहा है और मेरे ख्याल में सिरोही साहब का इंग्लिश है, तीनों ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इन विषयों के में पारंगत हैं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक बच्चा किस तरह से इन विषयों के अंदर मतलब एक्सपर्ट हो सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा मैथ मुझे नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ चाहे कोई भी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस भी मांगता है और मैथ में विशेष तौर से फार्मूलेज आपके हैं तो बच्चे जब सब सोल्व करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस विशेष तौर से एक अहम हिस्सा होती है और वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं डीओ साहब का यहाँ आने पर और डीडब्ल्यू साहब का भी वेलकम करती हूँ और ये अपने विचारों से या अपने मार्गदर्शन से आपको बहुत सारी बातें बताएंगे इससे रिलेटेड और उससे आप लाभान्वित भी होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय।